जी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था द डिलाइट सॉन्ग बाय एन स्कॉट मोमडे, इस पोइम के बारे में। अब हमने इस पोइम के टेक्स्ट के हवाले से जो है इसको देखेंगे। जी, पोइम के टेक्स्ट में है, पोइट इन लाइंस में कहते हैं द डिलाइट सॉन्ग जो टाइटल है इस पोइम का, इस टाइटल में इसका बैकग्राउंड जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि ये जो है वर्ल्ड वॉर टू के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी, वर्ल्ड वॉर टू के बाद लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी। उसमें जब लोग ना उम्मीद हो गए थे और इस ना उम्मीदी में जी रहे थे कि जब उन्होंने अपनों को खोया था और इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह हो गया, लोगों में काफ़ी ना उम्मीदी फैल चुकी थी, तब इस पोइम को जो है लिखा गया था और इसने जो है वो एक उम्मीद लोगों में दिलाई। जैसे पहली लाइन में वो क्या कहता है, आई एम अ फीदर ऑन द ब्राइट स्काई, मैं रोशन आसमान में एक हल्के पर की मानिंद हूँ। फिर कहता है आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन, कहता है मैं वो नीला घोड़ा हूँ जो मैदानों में भागता है, यानी ये भी फ्रीडम को जाहिर करता है और ब्लू हॉर्स जो है वो स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी को जो है वो शो करता है। फिर थर्ड लाइन में कहता है आई एम द फिश दैट रोल्स शाइनिंग इन द वाटर, कहता है मैं वो मछली हूँ जो पानी में रोल करती है, घूमती है और चमकती है, ये भी ब्यूटी को जाहिर करता है। आई एम द शेडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड, कहता है मैं वो एक बच्चा हूँ, वो एक बच्चे का साया हूँ जो जॉयफुल है, प्लेफुल है, जो अपने दुख तकलीफ परेशानी को भूलकर फिर खेल में लग जाता है। वो कहता है आई एम द इवनिंग लाइट द लस्टर ऑफ मीडोज, कहता है मैं शाम की रोशनी हूँ और चरागाहों की वो चमक हूँ। आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड, कहता है मैं वो उकाब हूँ कि जो हवा से खेलता है, यानी अपनी पावर स्ट्रेंथ की बात कर रहा है इस वक्त और अपनी स्किल की बात कर रहा है कि इन सब डिजास्टर्स के बावजूद वो इतना स्किलफुल है। कहता है आई एम अ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स, कहता है मैं रोशन मोतियों का एक झुरमट हूँ। इसमें भी ये ब्यूटी का भी जिक्र है और साथ थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाते हैं, इट इज़ एन इंडिकेशन टूवर्ड्स रोजरी, तस्बी की तरफ जो है ना ये इशारा करता है। तो कहता है आई एम द फारदेस्ट स्टार, कहता है मैं वो दूर का सितारा हूँ। इस वो सितारा भी हमें काफ़ी खूबसूरत लगता है, यानी चमक रहा है, रोशन है, लाइफ है इसमें। फिर कहता है आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन, कहता है मैं सुबह की ठंडक हूँ, सुबह की ठंडक नमी ये बहुत भली खूबसूरत अच्छी लगती है। आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन, कहता है मैं बारिश की गरज हूँ, जो बारिश में एक शोर होता है ना उसकी गरज हूँ, उसमें भी लाइफ को इंडिकेट कर रहा है। फिर कह रहा है आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो, कहते हैं मैं बर्फ़ के ऊपर जो क्रस्ट है उसका, जो उसकी ऊपरली तह है, उसके ऊपर जो चमक सूरज की रोशनी से पड़ती है, मैं वो चमक हूँ। यानी इस हर बात में उसकी लाइफ नज़र आ रही है, लाइट नज़र आ रही है, ब्राइटनेस नज़र आ रही है। फिर कहता है आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन अ लेक, फिर अगले लम्हे वो कहता है कि वो जो झील के अंदर चांद का अक्स नज़र आता है, कहते हैं उसके झील के साथ साथ जो लॉन्ग ट्रैक है, मैं वो ट्रैक हूँ कि जिसके ऊपर चलकर वो इस खूबसूरत मंज़र को जो है लोग इन्जॉय करते हैं। फिर कहते हैं आई एम द फ्लेम ऑफ फोर कलर्स, कहते हैं मैं इन चार रंगों का शोला हूँ। अब शोला जो है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये शोला जो है बेसिकली लाइफ को इंडिकेट करता है, ज़िंदगी की वार्मथ ऑफ लाइफ को जो है वो, इट्स अ सिंबल ऑफ वार्मथ ऑफ लाइफ। फिर कहता है आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स, कहता है मैं इन तमाम चीज़ों का एक ख्वाब हूँ। यानी ये रियल नहीं है, उसने पोएट ने अपने आप को मेटाफोरिकली, ही हैज़ कनेक्टेड हिमसेल्फ विद एवरी थिंग दैट इज़ ब्यूटिफुल। और जैसे जॉन कीट्स भी कहते हैं कि ब्यूटी दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट, ठीक है, कि खूबसूरती और इसी के बारे में आपको सब कुछ जानना है। फिर नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें वो क्या कहता है, यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, यानी इसके ये जुमले और रिपीटिशन कि आई एम अलाइव का मतलब ये है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, यानी इन सब डिज़ास्टर्स, डिस्ट्रक्शन, सफरिंग, पेन, मिजरी, कन्फ्यूजन, डाउट्स, इन सब के बावजूद, ठीक है, होपलेसनेस के बावजूद, पेसिमिज्म के बावजूद, ही इज़ स्टिल अलाइव एंड दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग फॉर हिम, कि वो अलाइव है, ज़िंदा है। तो फिर दूसरी बात ये कह रहा है कि आप देखें, यू सी आई एम अलाइव, कि मुझे ये खूबसूरत चीज़ें नज़र आ रही हैं, आई एम सो पावरफुल, आई हैव माई इमेजिनेशन इज़ सो पावरफुल,
कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ इन सब डिज़ास्टर्स के बावजूद, फिर वो कहते हैं कि उसकी और वजह भी है। वो वजह क्या है? कहता है आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, कहता है मेरा ज़मीन के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा है। फिर कहता है आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स, कहता है मेरा आकाओं के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा है। फिर कहता है आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ ब्यूटीफुल, कहता है और मेरा ताल्लुक हर उस शय से है जो खूबसूरत है और वो ताल्लुक भी अच्छा है। फिर कहता है आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल, कहता है और हर वो चीज़ जो फ़ायदा देती है, नफ़ा देती है, मेरा उस शय से भी ताल्लुक़ बहुत अच्छा है। कहता है यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। वो कहता है कि जब इतने अच्छे गुड रिलेशंस होंगे तो कहता है फिर आप देखें कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। ये दूसरी मरतबा ये लाइन आई है और इन दोनों लाइन्स में वो यही ही इज़ एम्फसाइजिंग दैट के कनेक्ट योर सेल्फ टू द नेचर, नेचर के साथ कनेक्ट करें। और वो कनेक्शन कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी बेस्ड ऑन गुड रिलेशन, यानी वो रिलेशन आपका अच्छा होगा तो आप अलाइव होंगे। अगर वो रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो लाइफ विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, जो कि उस वक्त ऑलरेडी थी लोगों की। इस तरीके से पोइट अपना जो है वो लोगों में उम्मीद जो है वो लाता है और इससे लोग जो हैं वो मुस्तफीद भी होते हैं। पोइट्स का, राइटर्स का काम ये होता है कि लोगों में उम्मीद लेकर आए। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम इसकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज के ऊपर भी गौर करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।